हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारा नया फंक्शन दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था लॉग में, जब मैंने तुम लोगों को बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के बारे में। ठीक है, आज हम इसका उससे भी ज्यादा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, और इसी के साथ साथ हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फंक्शन है वो है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मुझे x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो उसको लिखेंगे बॉक्स ऑफ x, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अच्छा, इन शॉर्ट और क्या बोलते हैं, GIF, गिव फंक्शन, गिव फंक्शन। G स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट, I स्टैंड फॉर इंटीजर, F फॉर फंक्शन। और एक और क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो ये होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7, क्या होगा इस 7 के अंदर इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका, तो अगर हम इंटीजर लेते हैं तो इसका आंसर आता है वही नंबर 7। ठीक है, अगर मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8 तो ये हो जाएगा हमारा 8 ही। ठीक है, 8 के अंदर इंटीग्रल पार्ट क्या है, 8 ही है। अब लेट्स से मैं कुछ डेसिमल पॉइंट्स की बात कर लेता हूं, तो जैसे मैंने लिखा 7.2, अब मैं बोलूं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 7, क्या लिखूंगा मैं, 7। अभी हम कंक्लूड करते हैं कैसे आया। ठीक है ना, जैसे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.8 तो क्या हो जाएगा, 9। ये तो क्या पॉजिटिव नंबर्स की बात, अब एक बार नेगेटिव नंबर्स की बात कर लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेट्स से -6 क्या होगा, -6 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेट्स से -8 कितना होगा, इट इज -8 ओनली। अब आते हैं मेन, जो इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे लोग गलती करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7.2 लिखा मैंने, तो बहुत से लोग इसका क्या बोलते हैं आंसर, -7, बट इट इज नॉट -7, इट इज -8, इट इज -8। अभी हम मैं डिफाइन करूंगा कैसे आया ये -8, पहले हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। उसके बाद लिखा मैंने लेट्स से -199.2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो जाएगा -200। ठीक है, अच्छा, तो कंक्लूड क्या निकल पा रहा है, देखो जब भी मैंने x की जगह इंटीजर लिया लेट्स से 7, 8, -6, -8, तो इंटीग्रल पार्ट क्या आया मेरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आया, वही नंबर, 7 का 7 आ गया, 8 का 8 आ गया, -6 का -6 आ गया, -8 का -8 आ गया। और जब मैं डेसिमल वाला नंबर ले रहा हूं, विच इज नॉट ए इंटीजर, रियल नंबर विच इज नॉट ए इंटीजर, लेट्स से 7.2, तब क्या आया, 7 आया। तो अगर मैं देखूं लेट्स से नंबर लाइन पे ये मेरा 7.2 है, तो 7 क्या है, इसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में जो नंबर इंटीजर है दैट इज 7। देखना, इसी की मदद से मैं डिफाइन करने वाला हूं अभी। 9.8 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 आया, तो लेट्स से मैंने 9.8 को प्लॉट किया, तो इसी के लेफ्ट में इंटीजर आ रहा है, वही 9 हुआ। सिमिलरली फॉर नेगेटिव नंबर्स आल्सो, जैसे -7.2 है, तो लेट्स से मैंने दिस इज -7.2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 आया, तो -7.2 के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है वो -8 है। एंड लास्टली लेट्स से मैं ये वाला नंबर देख रहा हूं, लेट्स से ये मेरा नंबर -199.2 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -200 आया, तो -200 क्या, इसके इमीडिएट लेफ्ट में नंबर है -200। तो कुछ कंक्लूड निकल पा रहा है कि अगर, सुनना ध्यान से सुनना, अगर नंबर इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो इंटीजर नहीं है, एक्स अगर इंटीजर नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उस नंबर के इमीडिएट लेफ्ट में जो नंबर है। दिस इज परफेक्ट डेफिनेशन, ऐसे हमेशा सही आएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो भी नंबर है अगर वो इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, वो नंबर इटसेल्फ। अगर वो नंबर इंटीजर नहीं है तो क्या करेंगे हम, उसके इमीडिएट लेफ्ट में नंबर देखेंगे, वो उसका GIF हो जाएगा, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आया, तो इसको मैं फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं हम, उससे पहले क्या करो तुम लोग इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं। तो क्या बोला हमने, अगर नंबर इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो नंबर इटसेल्फ, और अगर वो नंबर इंटीजर नहीं है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, नंबर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दैट नंबर। तो इसको मैं लिख लेता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, लिख लो तुम लोग, दिस इज विल बी इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर।
क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x के बराबर हो जाएगा अगर x इंटीजर है, और अगर x इंटीजर नहीं है तब क्या होगा, इसको लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, नंबर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट, ऑन द इमीडिएट, इमीडिएट मतलब उसके जस्ट बाद, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नंबर, या फिर ऐसे लिखो इंटीजर ऑन द इंटीजर, लिखो इसको इंटीजर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ x, ये कब हो रहा है, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू i, समझ में आया बच्चों, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है ना, अगर नंबर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वही हो जाएगा, अगर नंबर इंटीजर नहीं है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो नंबर है वही उसका gif हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो और फिर मैं दो तीन इलस्ट्रेशन और देख लिख लेते हैं हम, ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, जैसे कि मैं कुछ नेगेटिव नंबर्स को ले लेता हूं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.2 क्या होगा, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -0.2 के इमीडिएट लेफ्ट में क्या नंबर आएगा, क्या इंटीजर आएगा, नॉट नंबर इंटीजर, -1, तो इसका जीआईएफ हो गया -1। फिर मैंने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.697, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा, -3, तो इसका आंसर हो गया -3। फिर मैंने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -198, क्या हो जाएगा, इंटीजर है इसलिए इसको मैं -198 ही लिख दूंगा, समझ में आ गया, वो डेफिनेशन याद रखना, ठीक है ना, कि नंबर अगर इंटीजर है तो वो नंबर हो जाएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा अब देखना एक थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, मैं 3-4 लिख रहा हूं, तुम लोग एक बार इसको सॉल्व कर लिखो, मतलब तुम आंसर लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -π, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -c, ठीक है, तुम लोग वीडियो पॉज करके इन चारों का आंसर लिखो, इन चारों का, ठीक है, तो अगर ये लिख पाए तो इसका मतलब तुम्हारा क्लियर हो गया जो अभी हमने देखा भी, ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूं, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.141 के अराउंड होती है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3.141 के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में नंबर क्या होगा हमारा, 3, हेंस दिस विल बी 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई, ई की वैल्यू कितनी होती है, जो एलन का बेस होता है ई, उसमें ई की वैल्यू क्या होती है, 2.7 समथिंग, क्या होता है, दिस ई इज 2.7 और इधर डेड डेड डैश समथिंग होता है, वो हमें इतना याद नहीं रखना, हमें याद रखना केवल इतना 2.7 के आसपास होती है, 2.7 समथिंग होती है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो क्या आएगा, इट इज 2। अब देखते हैं आगे के दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -π, तो -3.141 के लेफ्ट में कौन सा नंबर होगा, -2 नहीं लिखना है हमें, -4, दिस विल बी -4, क्यों, क्योंकि जो मेरा -π है वो -3.141 इधर आएगा ना, इसके इमीडिएट लेफ्ट में इधर हमारा क्या इंटीजर होगा, -4, hence this is -4। और लास्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -e क्या होगा हमारा, देखना ध्यान से बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -e होगा, सॉरी -e मतलब -2.7 समथिंग, उसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या इंटीजर होगा, -3, तो दिस विल बी -3। आई होप अब क्लियर हो गया होगा एकदम, ठीक है, चलो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ और बना लेते हैं, तो लेट मी ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। ग्राफ बनाना मतलब क्या होता है, बेसिकली ग्राफ मतलब क्या होता है कि x की कुछ वैल्यूज रखी, उनके करस्पॉन्डिंग y निकाला, वो कोऑर्डिनेट्स आ गए, उनको लोकेट किया और हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो देख लेते हैं, अब देखना, जैसे कि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोला कि अब देखो, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, जब भी मेरी x की वैल्यू इंटीजर्स होगी तब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने देखा इंटीजर ही हो जाएगी, तो जीरो पे वैल्यू कितनी होगी, जीरो, वन पे वैल्यू कितनी होगी, देखना वन पे वैल्यू कितनी होगी, वन, लेट्स से दिस इज वन, टू पे वैल्यू कितनी होगी, टू, तो लेट्स से दिस इज टू, टू, थ्री पे वैल्यू कितनी होगी, थ्री, तो थ्री, अभी कंप्लीट ग्राफ नहीं है, अभी बनाना है पूरा, ठीक है, अब हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो जीरो पे तो जीरो वैल्यू आई है, ठीक है ना, ये सर डार्क सर्कल बना रहा हूं, दीज आर द पॉइंट्स, इनको मैं ज्वाइन करने वाला हूं, अभी नहीं ज्वाइन करूंगा, थोड़ा सा कुछ चेंज करना है मुझे अभी, अब मैंने बोला -1 पे वैल्यू कितनी होगी, -1 इज द इंटीजर, तो अभी देखा हमने इंटीजर्स में क्या होता है, वही आउटपुट आता है, तो ये हो जाएगा हमारा -1, ये पॉइंट आएगा, फिर सिमिलरली -2 पे -2, और लास्टली एक और लिख लेते हैं, -3 पे -3,
ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट्स मिल गए। अभी तो मैंने इंटीजर्स पे बात की, अब हम नंबर्स विच आर नॉट इंटीजर्स उन पे बात कर लेते हैं, जैसे 1.1, 1.2। अब मुझे पता है कि अगर नंबर इंटीजर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर होंगे, जो 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर होंगे, लेट्स से 0.05, उनके इमीडिएट लेफ्ट में इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है विच इज 0। हेंस अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 1 को ओपन रख रहा हूं मैं, एग्जैक्ट 1 पे तो 1 आ गया, बट 1 के जस्ट पहले, 1 के जस्ट पहले, दैट इज फॉर x बिलोंगिंग्स टू, इधर लिख लो, फॉर x बिलोंगिंग्स टू 0 क्लोज से 1 ओपन, तब मेरा आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो 0 होगा तो मतलब इधर हमारा क्या आएगा, ऐसी लाइन आएगी, This will be complete zero. इधर आएगा hollow circle. इधर hollow circle आया, क्यों jump करेगा ये सीधा? जैसे ही one होगा, वैसे ये jump करेगा one पे. तो हमारा curve हो जाएगा ऐसा. ठीक है? अच्छा. अब x की value 1 से 2 जब होगी हमारी. When for x belongs to 1 close से 2 open. 2 पे मैं close नहीं लगा रहा हूँ. 2 के just पहले तक क्या होगा? जो भी numbers होंगे, उनके immediate left में integer क्या होगा? 1. Hence the answer will be 1. तो अब हमारा 1 तक ऐसे जाएगा ये, और 2 पे हॉलो आएगा, क्योंकि 2 पे, सॉरी एक मिनट इसको कल क्लियर कर लेते हैं, दिस इज हॉलो एंड अगेन दिस इज हॉलो। फिर जैसे 2 होगी x की वैल्यू, ये तुरंत जंप करेगा, इट विल बी लाइक दिस, फिर ये 2 पे वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे कर लोगे तुम लोग, वीडियो पॉज करके कंप्लीट करो, मैं इसको बना लेता हूं अभी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, जब मेरा x की वैल्यू 2 क्लोज से 3 ओपन होगी, तब मेरा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि इन सभी नंबर्स के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 2। हेंस दिस इज 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2, दिस इज 2 लाइन, y इज इक्वल टू 2। फिर 3 पे इधर आएगा ओपन सर्कल, फिर 3 पे ये जंप करेगा, फिर ये ऐसा आएगा। सिमिलरली हम नेगेटिव के लिए बना लो, नेगेटिव के लिए अब सुनना, जब मेरा ये दिस इज 0, जब मेरा x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, तब उन नंबर्स के लिए, उन नंबर्स के इमीडिएट लेफ्ट में इंटीजर क्या? -1। तो क्या हो जाएगा ये हमारा -1। ऐसे इधर क्या आएगा? हॉलो। इधर हॉलो क्यों लगाया? बिकॉज इधर ऑलरेडी हम 0 पे क्लोज लगा चुके हैं, 0 पे क्लोज आया है, क्योंकि 0 पे एग्जैक्ट 0 होगा आंसर। अब आते हैं -1 से -2 के बीच में, इन सभी इंटीजर्स के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर्स होगा? सॉरी, इन सभी नंबर्स के इमीडिएट लेफ्ट में -2 होगा, हेंस द आंसर विल बी -2। तो ये जंप करेगा यहां तक, और फिर ये हो जाएगा -2। ठीक है, और -1 पे एग्जैक्ट पे इधर हॉलो आएगा, देखो इधर हॉलो है क्योंकि इधर क्लोज आ चुका है। ठीक है, फिर एक और बना लेते हैं, जब -3 से -2 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे, उनके इमीडिएट लेफ्ट में अगेन इंटीजर क्या होगा? -3। तो ये हो जाएगा जंप करेगा सीधा -3 पे, इधर आएगा हॉलो और इधर आएगा फिल्ड। तो एक पैटर्न देख रहे हो तुम, एक स्टेयर केस टाइप का बन रहा है, स्टेयर्स। तो इस फंक्शन को हम स्टेयर केस फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेयर केस फंक्शन, या फिर स्टेप अप फंक्शन, ये भी लिख लेना, स्टेप अप फंक्शन, क्योंकि जो ग्राफ है वो स्टेयर केस की तरह लग रहा है ना, एक जैसे हमारे स्टेयर्स होती हैं वैसे लग रहा है, एक गया पहले ऑरिजेंटल, फिर एकदम जंप किया, फिर ऑरिजेंटल, फिर जंप किया, फिर ऑरिजेंटल। तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेयर केस। तो आई होप क्लियर हुआ होगा बच्चों, कैसे मैंने ग्राफ बनाया, कैसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, तो इसको तुम लोग कॉपी कर लो। अब हम इसके बारे में वो जो टर्मिनोलॉजीज हमने सीखी थी वो लिख लेते हैं, दैट इज डोमेन क्या है, रेंज क्या है हमारा, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज क्या है, और भी एसिम्प्टोट्स, पीरियोडिसिटी वगैरह, वो सब रूट्स वगैरह, वो सब डिस्कस कर लेते हैं हम। तो मैं इतने पार्ट को रब कर देता हूँ इस साइड में, इस साइड हम लिख लेते हैं, तो तुम लोग इसको कॉपी कर लो इतने पार्ट को। अब देखना, सबसे पहले आता है हमारा डोमेन, तो डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन, तो डोमेन दिख रहा है, अगर मैंने इस ग्राफ का प्रोजेक्शन लिया एक्स एक्सिस पे, तो पूरी एक्स एक्सिस कवर हो जाएगी, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, में मैं एक्स तो कोई भी डाल सकता हूँ, कोई भी एक्स की रियल वैल्यू, हेंस डोमेन इज आर ऑल रियल नंबर्स। अब आते हैं रेंज पे, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखो रेंज, रेंज क्या होता है हमारे, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस। एक्चुअली देखो, जब तुम ग्राफ बना रहे हो ना, तो देखना, ध्यान देना, एक्चुअली दिस इज नॉट द एक्चुअल ग्राफ, अगर मुझे थोड़ा और इसमें माइन्यूट चेंजेस करने होंगे, तो आई हैव टू, जो वर्टिकल लाइंस है उसको मुझे डेड डैश पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो लाइंस वर्टिकल लाइंस है, आई हैव टू पुट इट डेड डैश। ठीक है,
अब तुम देखो जब भी तुम इसका प्रोजेक्शन लोगे ग्रेटेस्ट वाई एक्सिस पे तो क्या आएगा, वो इंटीजर्स ही आएंगे सारे। वैसे भी हमें पता है कि ये वाई जो है वो एक इंटीजर ही है, क्योंकि हम एक्स कुछ भी डालें अल्टीमेटली हमें इंटीजर ही मिलेगा आउटपुट। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगी, ऑल इंटीजर्स आई। क्लियर है? अच्छा अब आते हैं हम इसके रेंज हो गया अपना, अब आते हैं इसके एफ मैक्सिमम। तो देख रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तो वो तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। फिर एफ मिनिमम अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा लोअर बाउंड है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे मैक्सिमम मिनिमम वाली लोअर बाउंड तो हो ही नहीं सकता। अपर बाउंड है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। तो अगर लोअर बाउंड भी नहीं अपर बाउंड नहीं तो ओवरऑल द फंक्शन इज अनबाउंडेड, ओवरऑल द फंक्शन इज अनबाउंडेड। फिर उसके बारे में और क्या देखें हम, एफ मैक्स हो गया एफ मिन हो गया, एसिम्प्टोट है क्या इसमें कोई, ये ग्राफ किसी पर्टिकुलर लाइन को अप्रोच कर रहा है क्या इंडेफिनेटली, नहीं कर रहा है, इसलिए नो एसिम्प्टोट। नो एसिम्प्टोट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज रूट। तुम लोग वीडियो पॉज करके सोचो कि रूट्स क्या है इसके, कितने रूट्स हैं और क्या है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो 10 सेकंड के लिए, सोचो मैं इसको बताने जा रहा हूं, ठीक है, पॉज इट नाउ। अब सुनना, रूट्स मैंने क्या बोला था, देखो दो तरीके से रूट्स डिफाइन किए थे मैंने, एक तो ग्राफिकली और एक लैंग्वेज फॉर्म में बोला था। क्या बोला था हमने कि रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा वाई जीरो हो रहा हो, सिंपल लैंग्वेज में द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्सप्रेशन इज गेटिंग जीरो। तो वाई की वैल्यू जीरो कब आएगी, जस्ट लुक एट हियर, कि वाई की वैल्यू जीरो कब आएगी, मैं एक्स क्या पुट करूं, मैं एक्स अगर सुनना, अगर मैंने एक्स जीरो क्लोज से वन ओपन अगर पुट किया, इन सभी की इन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो होगा, हैज दिस मच इज द रूट्स। या फिर ग्राफिकली बोल सकते हैं, ग्राफिकली क्या होता है, ग्राफ का इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, मतलब जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स। तो जो ग्राफ है ये ब्लू वाली लाइन, ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कितने पार्ट पे कर रही, तो ये सारे रूट्स हैं। तो रूट्स, अब मैंने बोला कि रूट्स, मैंने बोला कि ये सारे जीरो क्लोज से वन के बीच में जितने भी नंबर्स हैं ऑल आर रूट्स। और मुझे बताया कि जीरो क्लोज से वन ओपन के बीच में नंबर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। मैं इंटीजर्स बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि इन दोनों के बीच में इंटीजर्स कितने होंगे, एक भी इंटीजर नहीं होगा, बट रियल नंबर्स कितने होंगे इन दोनों के बीच इस वाले इंटरवल में। इफ आई आस्क यू, लेट्स से दिस इज माय सेट ए, इस सेट के अंदर नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, रियल नंबर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो देयर विल बी, दैट इज रूट्स कितने हो गए हमारे, नंबर ऑफ रूट्स विल बी इनफाइनाइट, नंबर ऑफ रूट्स विल बी इनफाइनाइट। क्लियर हो बच्चा? और रूट्स की वैल्यू क्या होगी, रूट्स बिलोंग्स टू, ऐसे लिख लो पहले, रूट्स बिलोंग्स टू जीरो क्लोज से वन ओपन, इन इन इस इंटरवल में कोई भी एक्स उठाओ वो रूट है, ठीक है ना, क्योंकि वो वैल्यू डालोगे वाई में तो तुम्हें जीरो मिलेगा वाई। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और देख लेते हैं, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ में करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इस ग्राफ को कॉपी करो, और बेटर क्या होगा खुद से बनाओ एक बार, ठीक है, जब जल्दी याद रहेगा। मैं इसको रब कर देता हूं और हम मूव करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे। और इसका लॉग में कहां यूज हुआ था एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो लॉग होता है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या बोला था, लेट्स से टी एक मैंने नंबर डिफाइन किया, उसको मैंने बोला लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, ये एक नंबर है लॉग ए टू द बेस बी, इसको मैंने टी बोल दिया। फिर क्या बोला था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी, दिस इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट, वो उसको क्या बोलते हैं, मेंटिसा। उस वक्त हमने इसका डिस्कशन किया था, बट आई थिंक ग्राफ नहीं बनाया था, बस मैंने तुम्हें वो वैल्यूज रख के बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.5 क्या होता है, 2.3 क्या होता है, इंटीजर्स का फ्रैक्शनल, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। ग्राफ वगैरह हमने अभी देखा, और ये पैरामीटर्स जो भी हमने देखे ये उस टाइम हमने नहीं देखे थे, अभी हमने देखे, ठीक है, तो इसको याद करो। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसको मैं रब कर देता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखना, तो मैं लिखता हूं नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। लिखते कैसे हैं इसको, y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमको एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है तो इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, उसके अंदर एक्स लिखते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट हम क्लोज हो गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है, जैसे कोई भी नंबर होता है ना एक्स, लेट्स से दिस इज सम नंबर एक्स, तो इसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट को तो मैंने अभी देखा, उसको कैसे लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी लिखा दिया तुरंत फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे हम कि कोई भी एक्स एक नंबर है उसको वी कैन से इट इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स एक्चुअली, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 7.2 लिया, तो मैं क्या बोलूंगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या होगा 7, अभी देखा हमने, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, देखो इधर 7.2 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो क्या करेंगे हम 7 इस वाली इक्वेशन में रखा 7.2, तो 7.2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स विच इज 7 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.2। तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.2 कितना आ गया, इट इज 0.2। इतना लंबा कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो तो अभी मैं बता रहा हूं एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है ना, तुरंत बोलेंगे 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.2। ठीक है, और भी लिख लेते हैं एग्जांपल, जैसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7 क्या होगा, अब ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 7 क्या होगा हमारा 0। आया कैसे, अब देखो जब मैंने 7 इस वाली इक्वेशन में 7 रखूंगा, इधर 7 आएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 क्या होगा 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल, क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा। तो इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, क्योंकि इंटीजर्स प्योर इंटीजर्स होते हैं ना, उसके अंदर फ्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब और ले लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.9 क्या होगा, इस इक्वेशन में रखूंगा, इधर 8.9 आएगा, इधर क्या आएगा 8, तो 8.9 माइनस 8 कितना आएगा 0.9, तो ये हो गया 0.9। पॉजिटिव की बात हो गई रियल नंबर्स की और इंटीजर्स की बात हो गई, अब नेगेटिव पे आते हैं हम। अब सुनना नेगेटिव पे, तो मैंने बोला नेगेटिव माइनस 7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा माइनस 7 का, तो इसमें माइनस 7 रखेंगे तो माइनस 7, इधर क्या आएगा माइनस 7 ही आएगा, इंटीग्रल पार्ट तो माइनस 7 होगा, तो माइनस 7 से माइनस 7 कैंसिल, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0 होगा। तो इंटीजर्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा। ठीक है, एक बात तो ये है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, जहां जनरली बच्चे लोग गलती करते हैं। अब मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 7.2, ठीक है माइनस 7.2, तब इसमें बच्चे लोग अधिकतर गलती करते हैं जो नए पढ़ते हैं, बाकी जिसको आता है तो उसके लिए तो बहुत ही स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है देखो, हमें एक चीज और क्या याद रखनी है फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में, कि ये एक फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन होगा जो लाई करेगा, याद रखना देखो, जीरो क्लोज से वन ओपन। क्या बोला मैंने, दिस इज अ फ्रैक्शन लाइज बिटवीन जीरो क्लोज से वन ओपन। अगर ऐसा लिखोगे तो शायद तुम इसमें गलती नहीं करोगे, देखते हैं अभी कैसे। तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट जीरो क्लोज से वन ओपन। और क्या याद रखेंगे, ये बेसिकली जो वैल्यू है जीरो क्लोज से वन ओपन, नेगेटिव है क्या, नहीं है ना, जीरो आ रहा है और पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, दीज आर नॉन नेगेटिव। तो इसे पॉइंट के फॉर्म में लिख लो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन इज नॉन नेगेटिव, या फिर नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव प्लस जीरो, पॉजिटिव या फिर जीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव या फिर ऐसे लिख लो स्लैश जीरो। क्या याद रखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, ए पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव और जीरो मतलब नॉन नेगेटिव बोलो, मोर एक्यूरेटली नॉन नेगेटिव, या तो वो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। ठीक है, अच्छा अब हम 7.2 के लिए आते हैं इस पर। ठीक है चलो, अब जैसे कि मान लो कोई ने जैसे इसको ऐसे लिखा माइनस 7 प्लस माइनस 0.2, जो अधिकतर बच्चे लोग गलती करते हैं, क्या बोलते हैं वो, अगर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता तो इसका आंसर देते हैं वो माइनस 0.2, बट दिस इज रॉन्ग। ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या, अभी जो मैंने लिखवा है इस पॉइंट को वायलेट कर रहा है, कि मैंने अभी बोला कि फ्रैक्शन जो होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा वो तो एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा, तो नेगेटिव कैसे है, नहीं नेगेटिव तो नहीं होगा। अब खुद सोचो, अब ये तो हो गया, ठीक है अब निकालेंगे कैसे, देखना ध्यान से बच्चों, निकालेंगे कैसे इस इक्वेशन से, ये हमारी मेन बोल सकते हैं पेरेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसमें माइनस 7.2 रखा, तो माइनस 7.2 इज इक्वल टू, अब माइनस 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी बताया था क्या, इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, माइनस 8, तो इधर आएगा माइनस 8 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 7.2, तो इधर से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 7.2 कितना आया, 8 माइनस 7.2 विच इज 0.8। अब देख रहा है दिस इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो हमारा ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसको एक बार ग्राफिकली और देख लेते हैं हम। ठीक है चलो, मैं इसको रब कर देता हूं, देखना जैसे कि मैंने तुम्हें क्या बोला कि इसमें भी तुम ऐसे लिख लो, पहले एक काम करो, पहले ऐसे लिख लो कि
इंटीजर्स के लिए फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। और जो इंटीजर्स नहीं होंगे उनके लिए क्या है वो देखना। मैं जैसे उधर हमने क्या बोला था, नंबर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट अगर एक्स इंटीजर नहीं है। इधर क्या है कि जैसे मान लो ये मेरा एक्स है, अब मैं इंटीजर्स नहीं है एक्स, तब की तब डिस्कशन ले रहा हूं। अगर एक्स इंटीजर है तो डायरेक्टली ऐसे दिस इज जीरो फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। अब मैं इंटीजर नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, तो अगर एक्स इधर है तो ये क्या होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को देखना ध्यान से। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इस लेंथ को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे मान लो मैंने ये लिया 7.2, तो ये मेरा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 7, तो इन दोनों के बीच में लेंथ कितनी है 0.2, तो 0.2 क्या होगा मेरा 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट। नेगेटिव के लिए देख लेते हैं, मैंने बोला नेगेटिव के लिए लेट्स से दिस इज -7.2, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में इसका इन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -8, तो -8। अब इसके बीच में ये डिस्टेंस कितना है 0.8 का ना, तो ये 0.8 क्या हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर हुआ बच्चों? तो इससे जाओगे ना ये वाले से कभी गलती नहीं करोगे, क्या डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, कब जब एक्स इंटीजर नहीं है। और अगर एक्स इंटीजर है तो डायरेक्टली बोलेंगे दिस इज जीरो। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है ना, चलो तो तुम इसको कॉपी कर लो, फिर हम एक दो कुछ एग्जांपल्स और ले लेता हूँ, और फिर हम इसका अगेन जैसे उधर किया था हमने ग्राफ प्लॉट किया था, इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे, और फिर उसके बाद मैं दोनों की प्रॉपर्टीज एक साथ लूंगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा नई चीज है, ज्यादा नई भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बहुत कम यूज किया है हमने, लेकिन इसका यूज जेई में बहुत जगह आता है, स्पेशली एडवांस में। ये समझ लो हर बार एक नए क्वेश्चन तो इसके बेसिस पे आता है। देखो डायरेक्टली ये तो बोलेगा नहीं कि 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, वो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे उनमें ये जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यूज होगा, ठीक है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थ्रू आउट द कैलकुलस तुम देखोगे लिमिट्स में भी इसका यूज होगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इवन इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होगा, एरिया अंडर कर्व, मतलब सभी जगह यूज होगा इसका, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब जैसे कि मैंने बोला एक दो चार एग्जांपल और लिख लेते हैं। मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.4, तो अब प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम लोग ज्यादा तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। हमें 0.4 नहीं बोलना है, पहले हम क्या मन में ही फिगर बना लेंगे कि -7.4 है, उसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो -8 है, -8 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.6, तो ये हो गया 0.6। उस मेथड से करोगे जो मैं बोल रहा हूँ तो कभी गलती नहीं होगी। जैसे मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -8.8, तो क्या बोलूंगा इसके इमीडिएट में कितना है -9 और इसके बीच में डिफरेंस कितना है 0.2, तो 0.2। तो डिस्टेंस बिटवीन नंबर एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर कब बोल रहा हूँ, जब इंटीजर नहीं है। और अगर इंटीजर है माइनस कुछ भी ले लो, माइनस तुमने ले लिया ये 10,000, तो दिस विल बी जीरो, कुछ भी ले लो, लेट्स से 10 की पावर 5, दिस इज अगेन जीरो, बिकॉज दिस इज इंटीजर, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट इज जीरो और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा एक दो एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग लेते हैं, अब देखना ध्यान से बच्चों। अब जो चार एग्जाम्पल जो मैंने उधर लिए थे उसी कैटेगरी के क्वेश्चन है, तुम लोग मैं ये लिख लेता हूँ, तुम लोग इसको उसके आंसर्स मेंशन करना, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके यू ट्राई ऑन योर ओन, मैं इधर लिख रहा हूँ, देखना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -π एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -e, ठीक है। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो बहुत से लोग बच्चे लोग गलती करते हैं, इसलिए मैंने इसको इलस्ट्रेशन लिया इसका, ठीक है। अब पहले पाई पे आते हैं, तो देखो अब बच्चे लोग इसमें गलती क्या करते हैं वो देखना, पहले वो बोलते हैं पाई इज 3.141, ठीक है। अब क्या बोलेंगे वो कि इसका आंसर, वो बोलेंगे क्या करेंगे 4 में से 4.000 -3.141, और ये हो जाएगा हमारा इधर से गया 10 - 1 9 9 - 5 4 9 - 1 8, और ये 0.0, तो ये आंसर बोलेंगे इसका आंसर ये बोलेंगे विच इज रॉन्ग। अब वीडियो पॉज करके तुम एक बार सोचो कि रॉन्ग क्यों बोला मैं इसको आंसर, व्हाई दिस इज रॉन्ग, जस्ट थिंक इट, एक बार सोचो कि ये रॉन्ग क्यों आया, ठीक है ना। बाकी क्योंकि ऐसे ही बताया था मैंने कि इसके इमीडिएट जो एक मिनट रुकना, वेट अ मिनट
सॉरी ये हटाओ, एक मिनट, गलती किया हमने इसको। तुम अगर मैंने बोला तो क्या करोगे तुम मोस्ट बच्चे? हाँ 3.141-3, सॉरी जो बच्चे गलती करेंगे वो बता रहा हूँ पहले मैं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टली, देखना ध्यान से, 0.141 विच इज रॉन्ग। अब ये रॉन्ग क्यों है वो तुम लोग सोचो, ठीक है? मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि 3.141 जो है ना वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या बोला मैं? 3.141 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई इज तो एक इरेशनल नंबर है ना, तो हम ऐसे इसकी ये वैल्यू तो ले नहीं सकते, हमें तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए इसका, ठीक है? तो वी कैन नॉट से कि ये आंसर होगा इसका, दिस इज रॉन्ग। तो करें कैसे अब? अब हम करेंगे कैसे? अब हम इस डेफिनेशन का यूज करके करते हैं इसको। इस डेफिनेशन में हम पाई रख देते हैं हर एक जगह, तो मेरा क्या होगा? देखो अब इसमें रखते हैं हम पाई, तो देखना क्या होगा। LHS क्या बनेगा? पाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ पाई। 3.141 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर तो 3 आएगा, 3.141 के लेफ्ट में क्या है? इंटीजर 3, तो ये हो गया 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई। क्या किया मैंने इस वाली इक्वेशन में? एक्स के लिए पाई रखा है और कुछ नहीं किया। तो इधर से मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई कितना आ गया? पाई माइनस 3। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज करेक्ट। यू शुड नॉट पुट पाई को 3.141, 3.141 माइनस 3 नहीं करना है, वो 0.141 गलत हो जाएगा, पाई माइनस 3 लिखना है। आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार अब शायद तुम्हें क्लिक कर गया होगा जिसको भी गलत आया। अब तुम लोग अगेन वीडियो पॉज करके अगर ये सीख गए तो फिर ये तीनों लिखो दोबारा, ठीक है? मैं इसको बता देता हूँ। ई का क्या लिखूंगा मैं? देखो इधर ई माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारा? 2, क्योंकि 2.7 के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है? 2, तो ई माइनस 2, इसका आंसर ई माइनस 2 हो जाएगा। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि नेगेटिव आ गया। आप सुनना कैसे लिखूंगा मैं इसको, हम तो ऐसे याद रखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो एक्स मतलब माइनस पाई माइनस ऑफ, आप सुनना माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस पाई मतलब माइनस 3.141, उसके इमीडिएट लेफ्ट में नंबर क्या है? माइनस 4, तो इधर आएगा माइनस 4, सो ये हमारा हो गया 4 माइनस पाई। यू कैन सी कि दिस इज पॉजिटिव फ्रैक्शन। अगर कभी लगे ना कि नेगेटिव, एक बार ऐसे ही वेरीफाई कर लो कि हमें नेगेटिव तो नहीं आ रहा, बहुत से लोग इसको पाई माइनस 4 भी लिखते हैं, विच इज रॉन्ग। दिस इज 4 माइनस पाई, पाई माइनस 4 तो नेगेटिव हो जाएगा ना, और अभी हमने देखा दिस इज नॉन नेगेटिव, ठीक है ना? चलो अब इसी प्रकार इसका देख लेते हैं। तो ये क्या जाएगा? माइनस ई माइनस ई माइनस ऑफ माइनस ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? उसके इमीडिएट लेफ्ट में माइनस 3 है, तो जाएगा माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस ई, ठीक है? इसलिए मैं इन दोनों को इंपॉर्टेंट बोला। तो जैसे कि अभी देखा हमने, दिस इज पेरेंट इक्वेशन, पेरेंट इक्वेशन इसको याद रख, ठीक है? इसका भी बहुत यूज होगा आगे जाके, लिमिट्स वगैरह में भी हम इसका यूज देखेंगे, अभी प्रॉपर्टीज देखेंगे तब भी हम इसका यूज देखेंगे, ठीक है? चलो अब हम इसका ग्राफ पे आते हैं। तो वीडियो पॉज करो, तुम लोग इसको कॉपी करो, अब मैं इसका ग्राफ डिस्कस करता हूं। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ एकदम टिप्स पे होना चाहिए, बहुत ज्यादा जगह यूज होगा, बहुत मतलब बहुत, इवन सी कि पूरा कैलकुलस में बहुत जगह यूज होने वाला है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो हम इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हमारे पेरेंट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है? अच्छा अब देखना, अब हम क्या करते हैं ग्राफ बनाने के लिए छोटे छोटे इंटरवल के लिए ब्रेक करते हैं, कैसे? इसके आधार पे, इसके आधार पे। तो अब हमें पता है कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल में पहले 0 से 1 के लिए देख रहा हूं, तो 0 देखना मैं इधर क्या लिख रहा हूं, फॉर, चलो ऐसे लिख लो, फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू 0 क्लोज से 1 ओपन, एक्स अगर 0 क्लोज से 1 ओपन होगा तब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कितना होगा? 0 होगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 होगा, तो इधर 0 रखा तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है? एक्स, फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 0 से 1, तो एक्स अगर 0 से 1 के लिए लाई करेगा, 1 पे ओपन है, तो मेरा ग्राफ क्या बना? दिस इज वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स विच इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन, समझ में आया? कैसे बनाया मैंने? ब्रेक किया, फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 0 क्लोज से 1 ओपन, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या है? 0 है, तो मेरा वाई कितना? एक्स आ गया, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एक लाइन होती है जिसका स्लोप 1 होता है, tan थीटा 45, थीटा 45 tan 45 1, तो और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? वाई इज इक्वल टू एक्स में ये 1 हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू एक्स में क्या होता है? जो एक्स रखो वही वाई मिलता है, तो इधर अगर वाई है 1 है तो इधर ही 1 होगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब आते हैं हम नेक्स्ट इंटरवल पे, फॉर
x belongings to, आप ध्यान से देखना मैं क्या ले रहा हूं, one close set, two open. अब ऐसा ही क्यों ले रहा हूं ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ये कॉन्स्टेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए मैं इन इंटरवल्स में ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है ना. तो वन क्लोज सेट टू ओपन के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा, दिस विल बी वन. तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन. वाई मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन. अब y is equal to x minus 1 को प्लॉट करना है, तो when you will plot for y is equal to x minus 1, क्या क्या होगा, लाइन तुम्हारी ऐसी आएगी. देखो पहले तुम्हारी लाइन ऐसी आएगी, दिस इज y is equal to x minus 1. बट मेरे को पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, मुझे केवल इस इंटरवल के लिए लिखना है, वन क्लोज से टू ओपन. तो वन क्लोज मतलब वन से यहां से स्टार्ट होगी, तो इसको तो मैंने बंद कर, इसको रब कर दिया, वन पे क्लोज और टू पे ओपन, तो टू पे ये आएगा हमारा टू पे ओपन, तो इसके बाद वाली भी रब कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा टू. क्लियर हुआ बच्चों, इंटरेस्टिंग है, ड्रॉ करना भी मजेदार चीज है, ठीक है ना. एक बार ड्रॉ कर लोगे फिर याद हो जाएगा, और इसका हमें हर बार हम ऐसे ड्रॉ कर लिख के ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको एकदम डेस्क पे याद रखना है. बट हाँ, पता होना चाहिए कि आया कैसे, इसलिए बताया जा रहा है. अब मैंने एक और देख लेते हैं, चलो. फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू टू ग्लोव से थ्री ओपन, टू ग्लोव से थ्री क्या होगा हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टू हो जाएगा. तो ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू. अब एक्स माइनस टू लाइन को जब तुम प्लॉट करोगे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू. तो अब लेकिन अगेन जैसा कि मैंने बोला, इस इंटरवल के लिए मुझे बनाना है, तो टू के पहले रब कर दिया, क्योंकि मुझे टू से थ्री के लिए मतलब है, और लेट्स से थ्री इधर है, तो थ्री पे ये हमारा ये आ जाएगा, इधर हॉलो आ जाएगा, इसके बाद वाला हम रब कर देंगे. क्लियर हुआ बच्चों. अब एक बार नेगेटिव की तरफ चलते हैं. नेगेटिव की तरफ क्या है, देखना. फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू, अब मैं ले रहा हूं माइनस वन, माइनस वन क्लोज से जीरो ओपन, क्योंकि जीरो तो इधर क्लोज लगा ही दिया था. अब माइनस वन से जीरो ओपन के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, ये कितना होगा, माइनस वन. तो इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ माइनस वन, विच इज एक्स प्लस वन. अब हम y इक्वल टू x प्लस वन लाइन प्लॉट करेंगे, तो वो लाइन जो आने वाली है वो ऐसी आएगी, दिस इज y इक्वल टू x प्लस वन. बट अगेन मुझे किस इंटरवल के लिए चाहिए, माइनस वन से जीरो के लिए, तो उसके बाहर वाली लाइन बिटा देता हूं. तो ये माइनस वन है, इसको बिटा दिया तो ये माइनस वन आया, और माइनस वन पे क्लोज है तो इधर हमारा क्लोज है, जीरो पे ओपन है तो इधर ओपन है, और इसके बाद वाली लाइन बिटा दी. तो समझ में आ रहा है, एक पैटर्न समझ में आ गया, क्या हो रहा है, ये यही ग्राफ शिफ्ट होता जा रहा है, ये ग्राफ शिफ्ट होता जा रहा है. तो इसको मैं और बना देता हूँ थोड़ा बहुत, आगे के लिए करेंगे तो ये आएगा, फिर आगे के लिए करेंगे तो ये आएगा, एंड सो ऑन, इट विल बी लाइक दिस, दिस इज माइनस टू, दिस इज माइनस थ्री. अब मैं आया बच्चों कैसे किया, चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ रब करके, ठीक है. तो बेटर, क्योंकि उसमें मैं इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिख दूंगा इधर, वो तो मैं याद रखना है इसलिए, ठीक है, क्योंकि इधर अभी लिखा नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा छोटा है, तो मैं थोड़ा इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ ग्राफ का. देखना, मैंने बोला ये देखो, अब ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, दिस इज x प्लस टू, दिस इज x प्लस थ्री, एंड सो ऑन, बढ़ता जाएगा इधर. और ये वाली लाइन हमारी आएगी, देखना ध्यान से, सॉरी दिस इज x, सॉरी ये x प्लस वन, ये x प्लस टू, दिस इज x प्लस वन, दिस इज x प्लस टू, और ये हो जाएगी हमारी, एक मिनट, ये हो गया x माइनस वन, दिस इज x माइनस टू, और ये हो जाएगी x प्लस वन, फिर हमारा इधर आएगा अगेन, ये वर्टिकल लाइन जो भी बनाना है वो डेड डैश बनाना है. मैं बताऊंगा x का एक्सप्लेनेशन भी बाद में दूंगा, वर्टिकल लाइन कभी नहीं बनती फंक्शन में, ठीक है ना, उसका एक्सप्लेनेशन हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन बनाई दे आर नॉट पार्ट ऑफ ग्राफ, ठीक है, याद रख लेना, लिख भी लेना अगर लिखना है तो. देखो और ये हो जाएगा x प्लस टू, ये माइनस वन, माइनस टू, जीरो, वन, टू, एंड सो ऑन, ठीक है. तो इस पार्ट को, इसको तुम ग्राफ को कॉपी कर लो, क्या लिखना है इसमें, ये भी मेंशन करना, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई इजिकल टू एक्स, कैसे आई, जीरो से वन के लिए ये जीरो होगा तो वाई इजिकल टू एक्स, वन से लेके टू के लिए ये क्या होगा, वन होगा तो एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन, टू से लेके थ्री के लिए ये क्या होगा, टू, तो एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू, एंड सो ऑन, नेगेटिव साइड की वही चीज है, ठीक है. चलिए तो इसको तुम लोग कॉपी कर लो. अब वो जो टर्मिनोलॉजी सीखी थी हमने वो लिख लेते हैं इसके लिए, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज. तो वीडियो को पॉज करो और ये भी पार्ट, एक्सप्लेनेशन पार्ट भी लिखना, ये आई कैसे, ठीक है ना, हमने इंटरवल में ब्रेक किया,
और उसके बाद उसका ग्राफ बनाया। अब देखना, जैसा कि मैंने बोला, अब हम देख लेते हैं पहले, सबसे पहला पार्ट डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, x क्या रख सकता हूं मैं, x तो ऑल रियल वैल्यूज रख सकता हूं मैं, या फिर ऐसे ही बोल लो, या फिर बोल लो कि प्रोजेक्शन देख लो x एक्सिस पे क्या आ रहा है, पूरा x एक्सिस कवर हो जाएगा, हेंस द डोमेन इज r। अब आते हैं रेंज पे, रेंज इज इंटरेस्टिंग, इसने y एक्सिस पे क्या कवर किया, ये वाला पार्ट कवर किया, देखो मैं शेड कर रहा हूं ये वाला पार्ट, या फिर बोल सकते हैं ग्राफ का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे ही है, याद कर रखना 1 कवर नहीं किया है, ये वैल्यू क्या लेगा, 0 क्लोज से 1 ही लेगा, पहले भी मैंने बताया था नॉन नेगेटिव जो मैंने लिखवाया था, इट इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन प्लस जीरो, तो वन कभी नहीं आएगा, जीरो आएगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, जीरो क्लोज से वन ओपन, याद रखना वन पे ओपन है, इंटीजर नहीं आएगा ये, ठीक है, वन नहीं लेगा, जीरो ले लेगा, ठीक है ना, जीरो कब आता है, इंटीजर्स पे आता है, देख रहा है ये वैल्यू इंटीजर है इसलिए इसकी वैल्यू जीरो हुई, ये इंटीजर इसकी वैल्यू जीरो हुई, टू इज इंटीजर इधर इसकी वैल्यू जीरो हुई। चलो अब आते हैं हम इसके एफ मैक्स पे, अब बताओ एफ मैक्स क्या होगा, इस इंटरवल का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वन पे ओपन है ना, तो दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। फिर आते हैं एफ मिनिमम, एफ मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है इस इंटरवल का सबसे छोटा एलिमेंट, विच इज जीरो, जीरो हो गया। फिर मैंने बोला लोअर बाउंड है क्या, लोअर बाउंड है क्या, हाँ लोअर बाउंड है ना, एक ओरिजेंटल लाइन मिल गई उसके नीचे जा ही नहीं है ग्राफ, और ओरिजेंटल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, तो लोअर बाउंड है, और लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, जीरो, लोअर बाउंड है और लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, जीरो। अपर बाउंड है क्या, हाँ अपर बाउंड भी है, और अपर बाउंड की वैल्यू क्या है, वन। बट याद क्या रखेंगे इसमें, अगेन रिमाइंड कर देता हूं, जीरो जो लोअर बाउंड है विच इज जीरो, दैट इज टेकन बाय द फंक्शन, बट जो अपर बाउंड है वन, दैट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन, लोअर बाउंड टू वन बोलूंगा, बट जो वन है ना, इट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन, अगर तुम्हें लिखना है तो यू कैन राइट इट हियर। चलो अब आते हैं, कोई एसिम्प्टोट है क्या, ये ग्राफ किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को अप्रोच कर रहा है क्या, इनडेफिनेटली नहीं कर रहा है, देयर इज नो एसिम्प्टोट। लास्टली आते हैं इसके रूट पे, हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग, रूट्स क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो हो रहा, तो दिख रहा है इंटीजर्स पे ये जी जीरो होगी, इंटीजर्स पे, या ऐसे बोल लो, या फिर बोल लो ग्राफ कहां इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इंटीजर्स पे कर रहा है, रूट्स आर इंटीजर्स आई, ठीक है। तो हमारा डोमेन हो गया, रेंज हो गया, एफ मैक्स, एफ मिन, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, हाँ एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो हम मिस कर दिया अभी, पीरियोडिक, बहुत ज्यादा जगह यूज होगा, पीरियोडिसिटी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इससे पहले वाला जो था, शायद अगर उधर नहीं लिखा है तो उधर लिख लेना, जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन पढ़ा था, दैट इज नॉट पीरियोडिक, वो तो बढ़ रहा था ना, ऊपर जाते जा रहा था, बट दिस इज पीरियोडिक, और दिख भी रहा है, अगर मुझे इतना इतना ग्राफ दे दिया जाए, कितना देखो मैं अलग कलर से बना देता हूं, इतना अगर ग्राफ मुझे दे दिया जाए तो इसी को मैं शिफ्ट करते जाऊंगा, तो क्या है इसका मतलब, ये पीरियोडिक है प्लस ऐसे, और उसका पीरियड कितना होगा, किस यूनिट से शिफ्ट कर रहा हूं मैं, कितना मिनिमम लेंथ से शिफ्ट कर रहा हूं, वन से, हेंस पीरियोडिक है और फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, दैट इज वन यूनिट फंडामेंटल पीरियड होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम एकदम क्रिस्प रखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है, तो इसको कॉपी करो। अब हम देखेंगे इसके बाद इन जो भी हमने अभी सीखा, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ तो अब हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, बताते प्रॉपर्टी ऑल्सो हम इसको लिखेंगे, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर, आई मीन स्टैंड फॉर इंटीजर, दिस विल बी इंटीजर ओनली, ठीक है। इसी के पैरेलल मैं फ्रैक्शनल पार्ट के लिख देता हूं, क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, इट विल बी जीरो, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, बट एज अ प्रॉपर्टी हम सेपरेटली लिख लेते हैं इसको। अब आते हैं दूसरी चीज पे, देखना ध्यान से बच्चों, मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, चलो आई लिख लेते हैं इसको, एक्स लिख लो बेटर है, ये लिखा, तो क्या करें इसका, क्या होगा ये आंसर, अब देखना जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं मैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 5.6, तो 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके बाद दोबारा ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने का खुद सोचो यूज होगा क्या, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है अंदर वाला उससे 5 मिलेगा, और दोबारा बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, उसको 5 ही बना देगा, हेंस दिस इज इक्विवेलेंट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ओनली, ठीक है ना, डबल लगाने का कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं है इसका सेंस मतलब कि उसका उससे कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो अब मैंने लिखा इसी के विज़ाविज़, अब मैं इसका लिख लेता हूं फ्रैक्शनल पार्ट का, मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और इसका दोबारा फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, तो जस्ट सी क्या आएगा,
अंदर वाले से तो क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी जीरो से वन के बीच में, एक फ्रैक्शन आएगा। अब उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, वही नंबर। इसका मतलब ये लिखना इज इक्विवेलेंट टू ये लिखना। समझ में आया? मैंने क्या बोला, अंदर वाला क्या करेगा, अंदर वाला फ्रैक्शन पार्ट तो क्या करेगा, जो भी नंबर लिखोगे x उसको 0 और 1 के बीच में ला देगा, लेट्स से 0.6 लेके आया। फिर बाहर वाला फ्रैक्शन पार्ट क्या करेगा, 0.6 का 0.6 ही रहने देगा, हेंस दिस विल बी इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ओनली। ठीक है, अच्छा अब देखना, अब थर्ड वन देखते हैं। अब एक काम करते हैं, उल्टा अब एक एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं दोनों का। तो मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। सोचो क्या होगा, वीडियो पॉज करके मैं इसको देख रहा हूं। सुनना, जो अंदर वाला फ्रैक्शन पार्ट है वो क्या कर देगा, वो एक नंबर ला देगा जीरो से वन के बीच में, जीरो क्लोज से वन के बीच में। क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से दोबारा सुनो, ये जो नंबर है दिस इज जीरो क्लोज से वन ओपन, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जीरो, हेंस दिस विल बी जीरो। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब हम उल्टा ले लेते हैं इसका। बाहर तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट लिख रहा हूं, अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख रहा हूं, ये तो उससे भी आसान हो गया। जो अंदर वाला होगा ये पार्ट, ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जीरो, हेंस बोथ दीस विल बी जीरो। समझ में आया? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार तुम्हारा अगर वो क्लियर हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इजी है। ठीक है ना, चलो अब एक और चीज जो कि इनइक्वालिटीज में यूज होगा आगे चल के, और लिमिट्स में भी हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखना, इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है, कभी भी एक्स से बड़ा नहीं होता, बट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन। क्योंकि जैसे हमें पता है नंबर लाइन पर अगर हम प्लॉट करें, लेट्स से दिस इज माई एक्स, अगर इंटीजर नहीं है एक्स तो मेरा एक्स माइनस वन तो इधर होगा, ये तो लेंथ वन होगी, दिस लेंथ इज वन, इसके बीच में कहीं तो होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ये इनइक्वालिटी याद रखेंगे, इक्वालिटी इधर कब होल्ड करेगी, जब हमारा एक्स इंटीजर होगा। तो इधर ऐसे भी लिख लो, इक्वालिटी विल होल्ड, इक्वालिटी विल होल्ड एट इंटीजर्स एट एक्स इज इक्वल टू आई, ऐसे लिख लो। ठीक है, जब एक्स की जगह इंटीजर डालूंगा तब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, फॉर अदर वैल्यूज ऑफ एक्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो एक्स माइनस वन और एक्स के बीच में लाई करेगा। ठीक है, चलो अब इसको मैं रब कर देता हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, ये हो गया हमारी चार। अब देखना एक और अगेन है, वो भी इंपॉर्टेंट बहुत है, तो इंटीग्रेशन वगैरह में भी उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है देखना, दिस इज आई थिंक फिफ्थ वन। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी है, पहले इसको मैं एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर हम जनरलाइज करेंगे। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.5 और एक ले लिया प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 5.5, तो सोचो क्या आएगा, ये तो 5 आएगा, ये माइनस 6 आएगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 5 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 1। अभी देखना मैं ट्रेंड बना रहा हूं, अपने आप हम जनरलाइज करेंगे इसको। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 6.4, तो दिस विल बी 6, दिस विल बी माइनस 7, तो अगेन टोटल विल माइनस 1। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, मैंने बोला 8.4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 8.4, तो कितना हो गया, अगेन माइनस 1। तो एक पैटर्न समझ में आया कुछ, कि अगर हमने x लिखा और इधर माइनस x लिखा तो दोनों का एडिशन माइनस वन आ रहा है हमेशा हर केस में। अभी देखना, अब थोड़ा सा अलग होगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर्स पे बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 5, तो कितना होगा हमारा, ये 5 ये माइनस 5, दिस विल बी 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, अगेन दिस विल बी 0। तो दो तरीके से क्लासिफाई किया, मतलब दो तरीके से हमने इसको विजुलाइज देखा, एक में तो माइनस 1 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है। और वो कब आ रहा है, कौन सा, वो डिपेंड कर रहा है कि अंदर जो नंबर लिखा है वो इंटीजर है या नहीं है। अगर वो इंटीजर नहीं है, दैट इज जैसे इधर लिखा है 8.4, तो तब तो हमारा माइनस वन आ रहा है, और जब इंटीजर है तब जीरो आ रहा है। तो बस इसी के हिसाब से हम डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे देखो ध्यान से बच्चों, मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में बिठा लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये क्या होगा, या तो माइनस वन होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, जीरो कब होगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमारा माइनस वन के बराबर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम चीज अभी हम फ्रैक्शनल पार्ट पे करेंगे। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, उधर भी ऐसे ही दो तरीके से डेफिनेशन ब्रेक होगी। ठीक है ना, चलो तो तुम लोग पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं इसी, चलो इसी में लिख देता हूं वाली प्रॉपर्टी, और हम देख लेते हैं।
ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में डिस्कशन। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इधर समझाया उधर उसको भी ऐसे एग्जांपल के थ्रू पहले लेता हूं, फिर हम प्रॉपर्टी पे आते हैं, लिखेंगे जनरलाइज लिखेंगे। तो मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.5, तो जो क्या होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा -0.5। एक मिनट वेट 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 अ मिनट, माइनस नहीं होता, सॉरी सॉरी ये हो गया अपना मिस्टेक, ये 0.5। तो आंसर कितना आया 1। और एग्जांपल ले लेते, जैसे मैंने कहा 5.4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.4 सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.4, तो ये कितना होगा 0.4। और ये हमने देखा था कैसे निकालते हैं, 6 माइनस ये तो 0.6 आता है, मतलब इस ये नंबर और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा 0.6 का, तो 0.6 तो कितना आया 1। एक आध और देख लिया, लेट्स से मैंने लिखा -19.2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 19.2, तो इसके कारण तो आएगा 0.2 और इसके कारण 0.8, तो अगेन टोटल कितना आया 1। तो पैटर्न समझ में आ गया, उधर तो क्या आ रहा था -1 आ रहा था, इधर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब हम इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, तो मैंने इंटीजर्स 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5 तो कितना हो जाएगा, इसका भी 0 इसका भी 0, इंटीजर होगा तो इंडिविजुअली दोनों 0 होंगे, तो हेंस सम विल बी 0। इंटीजर्स का क्या बोला मैंने, दोनों इंडिविजुअली ब्रैकेट 0 होंगे तो सम विल बी 0। तो अब इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूं, ये कैटेगरी हो ये कैटेगरी हो इंटीजर्स की, क्या लिखूंगा मैं देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, दिस विल बी इधर 1 और 0। अब 1 कब होगा, जब मेरा x इंटीजर नहीं है, तो इधर लिख लो व्हेन x does not belongs to integer, और मेरा ये 0 कब होगा, when x belongs to integer। क्लियर हुआ बच्चों? तो बहुत छोटी सी चीज थी लेकिन बहुत ज्यादा जगह यूज हो गई ये दोनों, तो इसको फिफ्थ बोल लेना, इसको सिक्स्थ, ये सिक्स लिख दिया अपन ने, ठीक है समझ में आया। तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब मैंने बोला नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th वन, देखना 7th प्रॉपर्टी क्या है, इसको पहले मैं एक बार एग्जांपल से बताता हूं। तो मैंने लिखा इधर चलो 5 प्लस 5.6, मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 प्लस 5.6 क्या होगा, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.6 बोथ आर इक्वल, ठीक है। अच्छा मैंने, अब मैं एक बार जनरलाइज करके लिख रहा हूं, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा x प्लस i इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i, अब तुमको सोचो करेक्ट है या नहीं, ठीक है ना, इसी के आधार पे ऊपर लिखा है मैंने। क्या है देखो, अगर मैंने कोई x है उसमें अगर कोई इंटीजर ऐड करके फ्रैक्शनल पार्ट ले रखा है, तो वो क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, कि इंटीजर्स को वी कैन सेपरेट आउट, इंटीजर्स को वी कैन सेपरेट आउट। जैसे मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6 लाख, चलो 6000, तो दिस विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6000, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये i होना चाहिए इंटीजर, तभी मैं ब्रेक कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा x प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि y अभी पता नहीं ना वो इंटीजर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल से भी हम बता देते हैं, जैसे मैंने लिखा x को ले लिया मैंने लेट से 0.6 और इसको ले लिया 0.7, तो इधर क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0.6 से लेते हैं 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y 0. अच्छा ये तो y सेपरेटली लिखा है, तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं ये तो क्या है ये 1 आएगा और ये 0.7, तो बराबर है क्या, नहीं। तो क्या है, जब इंटीजर ऐड कर रहा है तो इंटीजर को सेपरेट कर सकते हैं हम, ठीक है ना, इंटीजर को ऐसे याद रखो, इंटीजर को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर निकाल सकते हैं, वी कैन टेक इट आउट, कब, जब वो एडिशन में है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये भी तुम देखो, ये भी इसमें नोट करना, ये वाली चीज और एक और लिख रहा हूं मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू वाई दिस इज नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू y, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर्स को वी कैन नॉट सेपरेट आउट, इंटीजर्स को सेपरेट आउट सम में कर सकते हैं, प्रोडक्ट में नहीं, ठीक है ना। इसको एग्जांपल से भी तुम लोग समझ सकते हो, जैसे मैंने लिखा चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसको मैंने लिया 2
और चलो इसको 2 नहीं लेते, इसको ले लेते हैं 2.5, और इसको ले लेता हूं मैं, इसको ले लेता हूं 2, 2 2 4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, आपको सोचो अगर मैंने इसके हिसाब से लिखा तो ये तो मेरा क्या है 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 है। अब ये क्या इसके बराबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब 2 into i is 2, तो 5 4 के बराबर तो नहीं ना, इसका मतलब i को जो प्रोडक्ट में दिया है उसको सेपरेट नहीं कर सकता, सम में दिया है तो वी कैन सेपरेट आउट। क्लियर है, क्लियर हो गया इससे, ठीक है ना, तो इसको कॉपी कर लो। इसी टाइप का हम देखेंगे किसमें, फ्रैक्शनल पार्ट में, कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर लिखा होता है तो हम उसको कैसे डील करते हैं। तो बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी इट एंड आई रब द बोर्ड नाउ। क्या बोला मैंने कि इंटीजर्स को फ्रैक्शनल पार्ट के बाहर ले सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर ले सकते हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर लेते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पहले मैंने लिखा 5.6 प्लस 10, ये एक इंटीजर है, ये मेरा x है, तो कैन आई से दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.6 ओनली, इंटीजर का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटीजर जो ऐड करेंगे जब हम फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे इंटीजर उसमें तो रिमूव करते हैं ना, इंटीजर तो हटा ही देते हैं, तो दीज टू आर इक्विवेलेंट। और देख लो जैसे मैंने लिखा 4.9 प्लस चलो 10,000, तो क्या होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.9, तो इंटीजर का कोई फर्क पड़ा नहीं। अब हम इसको जनरलाइज कर देते हैं प्रॉपर्टी की मदद से, क्या लिखें, देखना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i, देखना क्या लिखा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i, दिस विल बी इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, i को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा प्लस और प्लस माइनस दोनों के लिए काम करेगा, इससे पहले वाले में भी लिख लेना, जैसे इससे पहले वाले में क्या था हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i, सेपरेट किया था, इसको प्लस माइनस कर दो, इट विल नॉट इंपैक्ट, माइनस मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया ना एक तरीके से, माइनस 5 को क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस 5, ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकता है अगर तुम, बाकी वो भी करेक्ट लिखा है, वो जनरलाइज हो गया, बट इसमें मैं क्या बोलूंगा, i इज पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो प्लस माइनस करके नेगेटिव भी कवर हो गए, उसमें एक ही में कवर हो गए थे, तो ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो। सिमिलरली इधर, अब इधर तो क्या हो रहा था, इंटीजर तो लिखना पड़ रहा था लेकिन उसको मैं फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर ले रहा था, इधर तो इंटीजर भी लिखने की जरूरत नहीं है, इन ग्रेटर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, i होना चाहिए इधर, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसका i की जगह अगर मैंने कोई और नंबर लिया तब मैं उसको सेपरेट नहीं, तब मैं उसको बाहर नहीं कर सकता, जैसे मैंने लिखा 0.6 प्लस 0.7, सो दिस आई कैन नॉट राइट, दिस आई कैन नॉट राइट एट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.6, या फिर दिस कैन नॉट बी रिटर्न एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7, दिस कैन नॉट बी रिटर्न एज 0.6 प्लस 0.7, ठीक है ना, तीनों के बराबर नहीं है, ये तो क्या है, ये कितना आने वाला है, 0.6 प्लस 0.7 1.3, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.3, ये 0.6 के बराबर, ये 0.7, ये तो और ज्यादा क्रॉस कर गया, तो क्या समझ में आया कि हम हटाएंगे कब, जब ये इंटीजर होता है, बट दिस इज नॉट ए इंटीजर ना, दिस इज 0.7, हाँ अगर ये 1 होता तब हम इसको ये लिख सकते थे, ये 2 होता तब भी हम इसको ये लिख सकते थे, कोई भी इंटीजर होता ये तब हम ये लिख सकते थे, बट इफ दिस इज नॉट ए इंटीजर देन वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस वे। क्लियर हुआ बच्चों, चलो तो इसको लिख लिया, और इसी तरीके से एक और क्या याद रखोगे, एक तो देखो ये याद, ये तो अपना हो ही गया, एक ये याद रखना क्या कि इसको इसको भी जनरलाइज कर लेते, जो एग्जांपल लिया मैंने इसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस y इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इन जनरल, वो कब होगा, जब y इंटीजर होगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में भी हम ऐसे नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जैसे कि मैंने उधर बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर में, प्रोडक्ट में इंटीजर लिखा है तो उसको बाहर नहीं ले सकता, इसी के बाद फ्रैक्शनल पार्ट में मैं बाहर नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर इसको गायब नहीं कर सकता हूँ, जैसे मैं एडिशन में गायब कर दिया, ठीक है ना, इसका भी तुम कॉन्ट्ररी एक एग्जांपल ले लो, खुद से समझ जाओगे, टेक सम एग्जांपल, ठीक है ना। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है, तो ये हमारा एट हो गया, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट वाला, ग्रेटेस्ट वाला 7th था, तो 8 प्रॉपर्टी देख ली, और एक दो प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टी और बची है, उसको और देख लेते हैं, उसके बाद हम एंड अप करेंगे ये वाला लेक्चर, तो देखते हैं। चलो अब देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अब देखना मैंने क्या बोला, जैसे अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, दिस इज 9th वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, मैंने 8 लिखा, 8.2 लिखा तो ये मेरा 8 आया, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.2 लिखा तो ये मेरा 9 आया, एंड सो ऑन।
अब क्या है ना, हम उल्टा चलेंगे। उल्टे से मेरा मतलब है, अब मुझे दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अब उसने दे दिया कि 9 है, बताओ व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स। क्या इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज 9, देन फाइंड एक्स, देन फाइंड रेंज ऑफ एक्स या फाइंड एक्स। अब उल्टा है तो ये थोड़ा उससे ज्यादा दिमाग वाला हो गया, हल्का सा, ऐसा नहीं टफ नहीं है, इजी बट थोड़ा सा ज्यादा लेवल हो गया। अब हमें उल्टा जाना है, मुझे वो एक्स निकालना है जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 आ रहा है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अब देखो, अगर मान लो किसी ने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 आ रहा है, तो ये इंटीजर हो गया। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 कब आएगा, जो भी नंबर्स इसके लिखे होंगे, मतलब ऐसे बोल सकते हैं वो नंबर्स जिनका इमीडिएट लेफ्ट 9 आएगा, जिनका इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर 9 आएगा वो सारे एक्स होंगे। तो मुझे पता 10 के पहले वाले, 10 के पहले वाले मतलब 10 पे तो ओपन है, ये पूरा क्लोज, 10 से पहले, अगेन आई एम पुटिंग ओपन हियर, 10 से पहले जितने भी 9 और 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 9, उन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 9 ही होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, फाइंड एक्स में क्या जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 9 क्लोज से 10 ओपन। क्लियर हुआ? और एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने लिखा, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, ठीक है ना, चलो मैंने बोला इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, लेट्स से, चलो अब ले लिया 3, तो मैंने फाइंड x, तो मैंने बोला 3 और 4 के जो बीच के नंबर होंगे इंक्लूडिंग 3, वो ऐसे नंबर होंगे जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। हेंस x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 3 क्लोज और 4 पे ओपन। 4 पे ओपन क्यों लगा, अगर 4 पे क्लोज लगा दिया तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, 4 से जस्ट पहले जैसे 3.999999 वहां तक ये सेटिस्फाई करेगा, 3.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो 3 आएगा। तो समझ में आया, तो मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ, ये तो मैंने एग्जांपल लिया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ देखना ध्यान से, जनरलाइज करके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर आई के बराबर है, ऑफ कोर्स एक इंटीजर होगा ये, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई, तब मैं एक्स पे क्या कमेंट करूंगा, देन एक्स मस्ट बिलोंग्स टू, अब इधर देखो, इधर 9 था तो इधर 9 से 10 आया, इधर 3 था तो इधर 3 से 4 आया, तो इधर आई है तो क्या आएगा, आई से आई प्लस 1, और याद कर रखना ओपन कहां आएगा, क्लोज कहां आएगा, तो ये हो गया मेरा आई से आई प्लस 1, और इधर क्या आएगा मेरा ओपन, जैसे इधर आ रहा था 10 पे ओपन 4 पे ओपन, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब तुम इसके आधार पर कुछ भी लिख लो, जैसे मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर 99.6 अगर एक्स आई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 99.67932 कुछ तो दिया है, सॉरी इंटीजर है ये इतना लिखा है, ठीक है। अब मैंने बोला एक्स क्या होगा, तो सिंपली 99 से लेके 100, 99 क्लोज से 100 ओपन, तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू 99 क्लोज से 100 ओपन, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे 99 आएगा। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और एक बार लास्ट में हम समराइज कर लेंगे सारी प्रॉपर्टी जो भी सीखी आज। चलो अब देखना, अभी क्या देखा हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमारा आई है, अब देखना, अब मैं ले रहा हूं, अब इक्वालिटी इन्वॉल्व कर रहे हैं हम, तो दिस विल बी 9 10th 1 10th और 11th जो भी है, ठीक है। मैंने लिखा, अब ऐसे लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, पहले इक्वालिटी था अब ग्रेटर देन इक्वल टू है, अब बताओ एक्स क्या होगा, ऐसा है फाइंड एक्स, फाइंड एक्स मतलब फाइंड रेंज ऑफ एक्स, ऐसे लिख लो रेंज ऑफ एक्स, एक्स की क्या क्या वैल्यू इसमें आई, तो देखते हैं हम, तो इसको पहले एग्जांपल से देखते ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो एक्स क्या क्या हो सकता है देखना एग्जांपल, तो एक्स क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जब हम नंबर लेता हूं ना तो ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है ना, ज्यादा विजुअलाइजेशन अच्छा होता है हमारा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 3 से बड़ा है तो एक्स क्या डालो, 3 से बड़ा कोई भी नंबर डाल दो, 3 या 3 से बड़ा, 3 भी लेना है मुझे, 3 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालूंगा इसमें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 से बड़ा आएगा, तो ये बहुत आसान हो गया। तो x belongs to 3 क्लोज से इंफिनिटी, और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तो क्या होगा मेरा x कहां से कहां लाई करना चाहिए, 9 से लेके इंफिनिटी तक, बहुत आसान हो गया, क्योंकि 9 से लेके, अब 9 से थोड़ा भी छोटा लोगे ना नंबर
लेट्स से 8.9, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बट इसमें तो 9 बोला है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 या 9 से बड़ा, ठीक है। अच्छा अब तो इसको मैं जनरलाइज करके लिख दूं इसके लिए, इसके लिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू i होगा तो मेरा x क्या होगा, देखना ध्यान से, x बिलोंग्स टू i से इंफिनिटी, देखो i से इंफिनिटी, 9 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, तो i से इंफिनिटी, क्लियर हो बच्चों। अच्छा अब देखो एक छोटा सा इसमें चेंज करता हूं मैं, देखना ये तो हो गया सिंपल चीज, अब देखना मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 9, अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, देखना ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके तुम लिखो इसका सॉल्यूशन, ठीक है मैं इसको बता रहा हूं अभी। मैंने लिखा इधर तो देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इधर इक्वालिटी था इधर इक्वालिटी नहीं है, ठीक है अब सुनना ध्यान से, अब मैंने बोला कि इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत से बच्चे दे सकते हैं 9 क्लोज से इंफिनिटी विच इज रॉन्ग, क्योंकि ऑफ क्वेश्चन अलग है तो आंसर भी अलग ही होगा, ये तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ इस केस में होगा ऐसा। क्या है देखो ये इक्वालिटी सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू, 3 डंडी लगा रहा हूं मतलब इक्विवेलेंट, ये इसको सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू जो भी मैं लिखने जा रहा हूं। देखो इसने बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 भी नहीं तो 9 से बड़ा क्या होगा, अगर मैंने बोला कि एक इसका ग्रेटेस्ट 9 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो इसको सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू, इसको सॉल्व करना पहले दिमाग में बिठाओ समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, क्योंकि ये चीज तो एक इंटीजर है, अब बोल रहा है ये जो क्वांटिटी है व्हाटएवर इज दिस क्वांटिटी इट शुड बी ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा होना चाहिए, मुझे पता है कि ये 10 इंटीजर ही है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं इस पर, क्या लगा देते हैं, अब ये वाला जो मैंने जनरलाइज किया, तो x बिलोंग्स टू 10 क्लोज से इंफिनिटी, तो इसी को मैं ग्रेटर देन के लिए भी लिख सकता हूं, देखो इधर 9 है तो इधर 10 आ रहा है, तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग चीज हो गई हमारी, तो इसमें ना दो केस बना लो, केस वन ये हो गया ये वाला यहां तक, अब केस बी पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन i, अब ग्रेटर देन i लिया है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू i प्लस 1, और इसके लिए तो मुझे पता है ऊपर वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू i प्लस 1 कॉमा इंफिनिटी, समझ में आया डिफरेंस, इसलिए मैंने एग्जांपल से समझाया ज्यादा क्लियरिटी आती, अगर डायरेक्टली ये दोनों लिख देता मैं तो शायद तुम्हें उनको समझ में नहीं आता, स्पेशली दिस वन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसको मार्क कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, दोबारा एक बार और देख लेते हैं हम, मैंने क्या बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9 था तो हमारा एक्स आया 9 से इंफिनिटी, यहां तक कोई डाउट नहीं है, फिर मैंने बोला कि इधर इक्वालिटी क्या, मैंने इक्वालिटी वाला साइन हटा दिया, केवल लिखा है दिस इज ग्रेटर देन 9, ये ग्रेटर देन 9 है, मैंने बोला इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू इसको सॉल्व करना, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो LHS में लिखा है वो मेरा एक इंटीजर है, वो बोल रहा है ये जो इंटीजर है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, तो 9 से बड़ा होना चाहिए इसका 10 हो 11 हो 12 हो 13 हो, तो मैं लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, अब ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गई हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू i में, तो क्या होता है i से इंफिनिटी, तो y से इंफिनिटी हो गया, तो अब इस चीज को मैंने जनरलाइज किया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन i है, दिस इज इक्विवेलेंट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू i प्लस 1, जैसे इधर 9 था तो इधर 10 हो गया ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, एक ज्यादा हो गया, इसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रीवियस रूल से, इस रूल से क्या लिखें, i क्लोज इंफिनिटी होता है इधर क्या होगा, i प्लस 1 लिखा है तो i प्लस 1 क्लोज इंफिनिटी, तो देख रहा है इधर 9 था तो i प्लस 1 मतलब 10, क्लियर है बच्चों, तो बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है चलो अब इसके बाद एक और देख लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है अब हम डिस्कस करेंगे लेस देन के ऊपर, ठीक है चलो लेस देन के ऊपर डिस्कस करते हैं हम, अब उसको भी पहले बेटर क्या करेंगे हम एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी होगा, दिस विल बी योर 11th प्रॉपर्टी, मैंने बोला देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 5, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, अब सुनना ध्यान से, अगर मैंने बोला ऐसे इंटीजर्स जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे 5 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, 5 या 5 से छोटा, सुनना 5 या 5 से ज्यादा, 5 से छोटा, तो अगर मेरा ये 5 है तो देखो 5 के लेफ्ट में सारे नंबर्स जो भी होंगे उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 5 से छोटा आएगा, वो तो है, इसमें कोई डील नहीं है, बड़ी दिमाग नहीं है, ये तो हो गई होगा, बट
फाइव और किन इंटीजर्स का होगा? सिक्स से पहले वाले ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक सिक्स तक, सिक्स तो ओपन आएगा ऑफकोर्स। ये भी मेरे फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है इसके लिए। क्या बोला दोबारा देखो, उसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, ऐसे एक्स निकालो। तो मैंने बोला 5 से छोटे जो एक्स होंगे उन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे ऑफ कोर्स क्या होगा, 5 से छोटा आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या होता है, लेफ्ट की तरफ मूव करता है ना। अब ये तो हमारे सॉल्यूशन होंगे, लेस देन इक्वल्स टू 5 तो होंगे होंगे, प्लस इसने बोला 5 भी, 5 इसके हिसाब से तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 भी हमारा सॉल्यूशन है। तो 5 कब आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर 5 मैंने बोला तो x क्या होगा, जैसे इससे पहले वाली प्रॉपर्टीज में जो देखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर मेरे को 5 है तो x क्या होता था, 5 क्लोज से 6 ओपन, तो वो इंटरवल और आ गया इसमें। तो दिस प्लस दिस, तो ये क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से 6 और इधर ओपन। देखो समझ में आया क्या, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो क्या होगा इसके हिसाब से, क्या लिखा मैंने, माइनस इंफिनिटी से 4 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 5, क्योंकि इधर 5 की जगह मैंने क्या लिखा, 6, ओपन आएगा, बस याद कर रखना, ठीक है ना। तो अब इसको जनरलाइज लिख दें, क्या लिखूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन इक्वल्स टू i है, i है, तब मेरा x क्या आएगा, x मस्ट बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से i प्लस 1 ओपन। इसके हिसाब से देखो 4 था तो 4 प्लस 1 5, 5 था तो 5 प्लस 1 6, तो i प्लस 1 आ गया, क्लियर हुआ। चलो अब लेस देन के लिए बात कर लेते हैं। अब मैंने बोला चलो इसको भी एग्जांपल से समझते ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर देखो मैंने लिखा एग्जांपल के तौर पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 4। अब इन दोनों में देखते हैं, इसने तो क्या बोला था कि 4 और 4 से छोटे, 4 भी इंक्लूड था। अब इसने बोला 4 से छोटे केवल, 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है, देखो अब मुझे ये वाला इंटरवल नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस इंटरवल का लिया मैंने, जैसे इसके हिसाब से फिगर बनाता हूं मैं। चलो मैंने बोला इसके हिसाब से दिस इज 4, तो ये एक रीजन हो गया और एक ये रीजन हो गया, दिस इज ओपन 5, ये रीजन और ये रीजन इसके हिसाब से। अब इस चीज में क्या होगा ना, ये रीजन मुझे नहीं लेना होगा, तो ये रीजन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ये रीजन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा, बट इसने 4 पे मना किया है, 4 नहीं चाहिए मुझे, लेस देन 4 चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, यहां से लेके यहां तक 4 पे भी इधर क्या आएगा, ओपन आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 4 रखूंगा तो सेटिस्फाई नहीं होगा, 4 से जस्ट पहला सेटिस्फाई हुआ 3.999 वगैरह तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x belongs to माइनस इंफिनिटी से 4, समझ में आया। देखो 4 था इधर 5 इसलिए आया था बिकॉज इक्वालिटी था, ठीक है ना, इधर 4 है, इधर इक्वालिटी नहीं, इधर 4 का 4 ही रहा। देखो याद करोगे तो अच्छी बात है, बट रटना नहीं है हमें इस चीज को, ठीक है, समझना है। वो कभी भी कुछ मतलब तुम्हें मान लो तुमने रटाया, तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करो, एक नंबर लेके देख लो, बेटर सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो अब मैं इसको भी जनरलाइज करके लिख दूं, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन i होगा तो मेरा x मस्ट बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से i, देखो लेस देन 4 था तो 4 ही आया, लेस देन i है तो i, क्लियर है बच्चों। चलो अच्छा एक काम करते हैं, अब हमने इंटीजर की जगह ना इधर मैं एक फ्रैक्शन और ले लेता हूँ एक बार, ठीक है ना, फ्रैक्शन से मेरा मतलब है कुछ विच इज नॉट इंटीजर, तो मैं एक चीज और ऐड कर ले रहा हूँ इसमें। तो उससे पहले तुम लोग इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। देखना मैंने क्या बोला, दोनों ही लास्ट के दोनों प्रॉपर्टी में ऐड कर लेना। देखना क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 5.4। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 5 को सॉल्व करना। सोचो पहले इसने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 5.4 होना चाहिए, तो ये तो मुझे पता इंटीजर है, तो लेस देन 5.4 की जगह मैं क्या लिखूं, लेस देन इक्वल्स टू 5 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 5.4 से पहला इंटीजर क्या आएगा, 5 ही आएगा, हेंस दीस टू आर इक्विवेलेंट। तो इसलिए मैंने लिखवाया, ये उधर भी ऐड कर लेना, उधर ऐड क्या करोगे, ये ऐसे लिखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 5.4, तो उधर लिखोगे This is equivalent to greatest integer of x. अब greater than equals to 5.4 है, तो क्या हो जाएगा? This is greater than equals to 6. समझ में आया? अच्छा चलो और लिख लेते हैं इसको. And this is further equivalent to greatest integer of x greater than 5. देखो, एक बार देख लेना तो मुझे सही लिखा है कि नहीं. उसके बाद तुम लोग लिख लेना. एक मैं बता देता हूँ.
इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में 11 उसमें ऐड करना है 10th में, ग्रेटर देन 5 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 5.4 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका आंसर क्या लिखूंगा, इन तीनों का आंसर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 6 क्लोज से इंफिनिटी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इन तीनों का आंसर क्या हो जाएगा, 6 क्लोज से इंफिनिटी। इसी प्रकार मैं इधर बोल रहा हूं दिस इज, ये जो मैंने लिखा अब दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्व करना है इसको, और इसका भी हम पढ़ेंगे जस्ट, क्या पढ़े इसका, x belongs to less than equals to 5 है, less than equals to i होता तो क्या होता, minus infinity से i plus 1, तो x belongs to minus infinity से i plus 1, i plus 1 से मेरा मतलब इधर क्या हो गया 6, खुद डाल के देख लो एक बार, अगर तुम्हें लगे कि नहीं यार गलत है या सही है तो क्या करो एक बार वेरीफाई करके देख लो, 6 से जस्ट पहला नंबर ले लो, जैसे 5.5 लिया तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसको जैसे हमने इधर 3 लगाया, इधर भी मैं 3 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो इधर इक्विवेलेंट टू लेस देन 5.4 हो गया, अब देखो इधर क्या ले रहा हूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 6, सोचो एक बार, देखना इंपॉर्टेंट है जो मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ ना, ये दोनों चीजें, ये हमारी पूरी समरी हो गई एक तरीके से देखा जाए तो, लास्ट वाले की जो मैंने अंदर केसेस बनवाए थे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इसमें अब देखो, देखना इधर मैंने क्या लिखा, ग्रेट लेस देन 5.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बोला मैंने, लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा, इक्वालिटी आ गई इधर, और लेस देन 6 सॉल्व करना इज इक्वल टू लेस देन 5.4 सॉल्व करना, क्यों, क्योंकि LHS तो हमारा एक इंटीजर है ना, सो दीज 3 आर इक्विवेलेंट टू दिस। क्लियर है बच्चों? तो अब क्या करते हैं, एक बार हम समराइज कर लेते हैं जल्दी से फास्ट, ठीक है, जो भी हमने प्रॉपर्टी देखी उसके बाद विल एंड अप विद दिस लेक्चर, तो इसको कॉपी कर लो तुम लोग, तो समरी में एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज देख रहा हूँ, तुम लोग भी लिखो एक पेज पे, सो दैट एक ही बात में हमारा रिविजन होगा, ठीक है ना, लिखना है, ठीक है ना, एक ही पेज में सारी प्रॉपर्टीज, और बेटर क्या होगा, वीडियो पॉज करके एक बार तुम रिकॉल करो हमने क्या क्या सीखा प्रॉपर्टीज में, मैं इधर लिख लेता हूँ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई इज आई, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई इज 0, ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंड देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फिर हमने दोनों का कॉम्बिनेशन देखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिस विल बी 0, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिस इज अगेन 0, फिर हमने फोर्थ वन देखा था इनइक्वालिटी, जो मैंने बोला याद रखना है कि जो एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, ग्रेटर देन होगा एक्स माइनस वन, इक्वालिटी कहाँ आएगी इंटीजर्स पे, फिर हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, या तो क्या होगा 0 होगा या माइनस वन होगा, डिपेंडिंग अपन एक्स क्या है, 0 कब होगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और जब इंटीजर नहीं होगा तब मेरा माइनस वन के बराबर है। अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो ऐसा तो एक वैल्यू रख के देख लो, जैसे मैंने 5.3 रखा तो 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 और माइनस 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 6, तो 5 माइनस 6 इज माइनस 1, ऐसे वेरीफाई कर लो। फिर सिक्स्थ वाला हमने देखा फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, अगेन इट इज 0 और प्लस 1, 0 कब होगा जब इंटीजर्स पे होगा, व्हेन इट डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर पे होगा 1, ठीक है ना। चलो उसके बाद हमने देखा कि हम इंटीजर्स को सम, अगर कोई नंबर है एक्स प्लस आई लिखा है तो हम सम में वी कैन सेपरेट आउट इंटीजर, सो दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस आई, इंटीजर्स को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर ले सकते हैं, कब, जब एडिशन फॉर्म में, प्रोडक्ट में नहीं ले सकते। उसके बाद हमने देखा ग्रेटेस्ट इन सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट पे देखा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई दिस विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीजर्स को गायब कर सकते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, ठीक है, अगेन दिस इज इन सम फॉर्म, प्रोडक्ट में नहीं कर सकते। चलो उसके बाद हमने लास्ट के 3 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखें, वो क्या थे, 9th लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मैंने अगर बोला i के बराबर है तो मेरा i क्या होगा, सॉरी x क्या होगा, x मस्ट बिलोंग्स टू, देखो ध्यान से, तो इसको 5 है मान लो, तो मैं क्या लिखूंगा 5 क्लोज i क्लोज से इंफिनिटी, सॉरी i कॉमा से i प्लस 1 ओपन, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 के बराबर है तो x क्या होगा 5 क्लोज से 6 ओपन, उन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे मेरा 5 मिलेगा। अच्छा उसके बाद 10th पे आते हैं, 10th में मैंने क्या लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू i है तो x क्या होना चाहिए हमारा i क्लोज से इंफिनिटी, ठीक है। इसी के अंदर हमने देखा था इनइक्वालिटी की जगह अगर केवल ग्रेटर देन दे रखा है ग्रेटर देन i तो क्या होगा हमारा x बिलोंग्स टू i प्लस 1 से इन्फिनिटी,
ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे। अच्छा और इसको ऐसे भी लिखा था, दिस इज इक्विवेलेंट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई प्लस वन, तो मैं भी लिखना है एक ही पेज पे ये सारी। और लास्टली हमने जो लिखा था, देखो लास्ट और लिख लेते हैं, लास्टली वी हैव रिटन लेस देन के लिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू आई के लिए, तो क्या होगा माइनस इंफिनिटी से एक्स मस्ट बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से आई प्लस वन ओपन, क्योंकि अगर मैंने लेस देन इक्वल्स टू फाइव लिया तो माइनस इंफिनिटी से सिक्स ओपन तक सारे नंबर्स क्या होंगे फाइव या फाइव से छोटे होंगे, तो इधर आई प्लस वन आएगा। और फिर इसी के लिए हमने क्या लिखा था लेस देन आई के लिए, तो दिस इज इक्विवेलेंट, चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं लेस देन आई लेस देन फाइव, तो इसके लिए क्या लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू, आप खुद सोचो क्या लिखूंगा, एक्स अगर लेस देन इक्वल्स टू आई है तो माइनस, मैंने लेस देन फाइव लिया तो क्या आएगा मेरा माइनस इंफिनिटी से आई, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू आई माइनस वन, खुद सोचो रख के देख लिया करो, जैसे कभी कंफ्यूजन होता है, इवन मुझे भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, अगर मानो मैं स्ट्रक करता हूँ तो मैं एक वैल्यू रख के देख लेता हूँ, वैसे प्रैक्टिस में होगा तो नहीं होगा ज्यादातर कंफ्यूजन, बट फिर भी कभी कभी हो जाता है, तो क्या करो वैल्यू, जैसे इसमें जैसे लगेगा आई माइनस वन कैसे आया तो एक बार रख के देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन फाइव लिखा मैंने, तो लेस देन फाइव लिखा तो लेस देन फाइव मतलब लेस देन इक्वल्स टू फोर, तो लेस देन इक्वल्स टू आई माइनस वन, और लेस देन इक्वल्स टू आई माइनस वन के लिए हमारा क्या होता है, देखो इधर आई होता है तो आई प्लस वन एक बढ़ जाता है जब इक्वालिटी होती है, तो इधर आई माइनस वन था तो एक बढ़ के क्या हो गया आई, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप मजा आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग था आज का लेक्चर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी था, स्पेशली दिस प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो फिर हम कल मिलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, इनवर्स पढ़ेंगे हम कल, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।